हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग चार्ट, जिसके अंदर आज हम आपके साथ सीखेंगे एनिमेटेड आवर्स ग्लास चार्ट इन एक्सेल। कि हम किस तरीके से ऐसा चार्ट बनाएं जो हमें टाइम को बताए कि अभी इतना टाइम आपका बाकी है, इतना टाइम आपने यूज कर लिया। जस्ट लाइक एक होती ना ग्लास जिसके अंदर आपके पास होता है, जिसमें आप रेत नीचे जाती है और आप उसे उल्टा कर दे तो रेत ऊपर आ जाती है। जस्ट लाइक उसी तरीके का ये आपको ग्लास दिख रहा होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 50% करूं तो देखो इसका ग्लास अपने आप चेंज हो गया। मैं इसकी वैल्यू 20% करूं, ग्लास की वैल्यू ऑटोमेटिक 20% हो गई। तो जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई चीज नीचे जा रही है और ऊपर चीज खाली हो रही है। तो अगर आप इस तरीके का एनिमेटेड या फिर स्टाइलिश ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहें, और आप इनका यूज अपने डैशबोर्ड, प्रेजेंटेशन और रिपोर्टिंग सेशन में कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा इजी है और आराम से बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो बेस है एनिमेटेड आवर्स ग्लास चार्ट इन एक्सेल। सबसे पहले आप इस डाटा को कॉपी करें। मैंने इस डाटा को कॉपी करा, कंट्रोल एन करके एक नई शीट बनाई और यहाँ जाकर मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद पेस्ट स्पेशल पेस्ट इज अ कॉलम विथ कर दिया और इसे मैंने किसी से लिंक कर दिया। मैंने कहा M1 से सेल सर्विस लिंक है और आपका N से मैंने B1 को लिंक कर दिया और इस तरीके का फार्मूला डाल दिया। ऐसे इसे नीचे ड्रैग करा, ऐसे इसे नीचे ड्रैग करा, इसे और इसे, इस तरीके से ही मेरा फार्मूला या मेरा डाटा इधर आ गया। अब वो वैल्यू चेंज होगी, इधर अपने आप आएगी। अब मैं कहूंगा 100% माइनस दिस, या मैं बोल सकता हूँ सिंपल 1% माइनस दिस, तो जितना रिमेनिंग होगा ये मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे कुछ इस तरीके का चार्ट बनाना है जो आपके सामने ये दिख रहा है, इसमें नीचे वाला हिस्सा तो 100% है, ये -100% है, और ऊपर वाला हिस्सा +100% है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक माइनस के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल कहूंगा दिस इंटू माइनस वन, तो जिससे क्या होगा, जितना वहां होगा वो इस तरीके से यहाँ दिख जाएगा इस तरीके से, और इसे आगे कंट्रोल आर करके राइट करो ताकि इससे लिंक हो जाए। सबको सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट 5 दबा दो ताकि ये परसेंटेज में बन गया। अब इस एरिया को सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं और यहां से कॉलम चार्ट के अंदर आपको मिलेगा स्टिक कॉलम चार्ट, ये ले लिया। इसके बाद आप इसकी परसेंटेज को फिक्स करें या इसकी एक्सिस को फिक्स करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट एक्सिस पर जाएं। फॉर्मेट एक्सिस पर जाने के बाद -1 रखना मिनिमम, तो मैंने रखा -1, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया -1 और यहाँ लिख दिया +1, ठीक है, जस्ट लाइक इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ पॉजिटिव वैल्यू मेरी नीचे आए, नेगेटिव वैल्यू मेरी ऊपर आए, तो आप राइट क्लिक करो, फॉर्मेट एक्सिस पर जाओ और यहां से कर दो वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर, तो माइनस वाली ऊपर चली जाएगी और प्लस वाली नीचे आ जाएगी। तो जस्ट लाइक मेरा इस तरीके से बन जाएगा। अब आप करें क्या, अब आप इस एक्सिस को डिलीट कर दें, सर्विस में जाएं, यहाँ से एक्सिस भी रिमूव कर दें, चार्ट टाइटल भी रिमूव कर दें और ग्रिड लाइन में, तो ये आपका इस तरीके से ब्लैंक चार्ट हो गया। अब आप इस चार्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट डाटा में जाएं और इसे स्विच टू रो में कर दें, तो ये डाटा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। क्लियर, अभी एक बॉक्स बन गया। अभी वाला हिस्सा देखो ये आ रहा है, ये आपका ब्लैंक हिस्सा है, जिसे आप ब्लैंक पार्ट कह सकते हो, तो इसे ऊपर लेके चले जाओ। तो आप इसे राइट क्लिक करो, सिलेक्ट डाटा में जाओ, ये एक्सिस 2 है, इसे ऊपर ले जाओ, तो जस्ट लाइक इस तरीके से हो गया। और ये जो फिल हिस्सा है जो भरेगा वो आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेम यहाँ करो, ये हिस्सा आपका कौन सा है, ये आपका हिस्सा होगा फिल हिस्सा, ठीक है। आप इसको उल्टा करना चाहें तो आप इस पर राइट क्लिक करो, सिलेक्ट पर जाओ, 3 को नीचे कर दो, 4 को ऊपर कर दो, तो जस्ट लाइक आपका इस तरीके से बन गया। अब आप क्या करें, इस हिस्से को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा पर जाएं, इसको आप फिल में जाएं और इसको फिल कलर में आप सॉलिड के अंदर आपको जो भी कलर पसंद है वो ले लो। फिलहाल हमारे चार्ट के अंदर ये पसंद है तो हम ये ले लेंगे, तो हमने ये कलर ले लिया। इस हिस्से को सिलेक्ट करा और इसे हमने कर दिया सॉलिड के अंदर व्हाइट, तो हमने यहाँ पर डाल दिया व्हाइट ताकि हिस्सा हमें खाली दिखे। सेम हमने इस हिस्से को सिलेक्ट करा जो हमारा ये है, ठीक है। अगर यहाँ पर 20 है तो माइनस में ऊपर जाना चाहिए, तो आप इसे सिलेक्ट करो, सॉलिड में करो और इसे कर दो दिस वन। इस वाले हिस्से को सिलेक्ट करो और फिल में इसे नो फिल कर दो, क्यों हमें इसे दिखाना ही नहीं। तो ये जस्ट लाइक इस तरीके का चार्ट बन गया। अब आप क्या करो, इस चार्ट के साइज को छोटा कर दो, तो मैं साइड के साइज को छोटा कर देता हूँ जस्ट लाइक इस तरीके से, और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये चार्ट आपका रेडी हो गया। अब आप इसे बिल्कुल इसके साथ
सेंटर में रख दो ताकि ये इस तरीके से दिखे, ठीक है। लेकिन ज्यादा ना करना वरना दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो जस्ट लाइक इस तरीके से रेडी हो गया। अब आप इसे सिलेक्ट करें कंट्रोल ए के साथ, आपने ये तो एक ही सीट है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और कर दें ताकि पूरा इस तरीके से हो गया। अब आप इसे कॉपी करें कंट्रोल सी के साथ और यहाँ कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें। बस सिलेक्ट डाटा पर जाएं और जो डाटा आपने दे रखा था अब उस डाटा को चेंज कर दें और ये कर दें, तो सेम वही आ जाएगा। बस आप क्या करें, इस वाले चार्ट को कॉपी करें और होम पर जाएं, और इसे सिलेक्ट करने के बाद होम पर जाएं, पे स्पेशल में आएं और पेस्ट एज अ फॉर्मेट कर दें, तो जस्ट लाइक इस तरीके का फॉर्मेट आपको दिख जाएगा। बस आप इनके अपने हिसाब से जो आपको कलर पसंद होंगे वो कलर कर लीजिए। मैंने यहाँ पर फिल में गया, फिल में जाने के बाद मैंने सॉलिड, मैंने इसमें रख दिया दिस कलर और इसमें डाल दिया मैंने सेम दिस कलर, क्लियर। ऐसे ही आप एक और कर लीजिएगा, वो हम देख लेंगे। इतना हो गया। अब हमारे पास कुछ और काम है। अब हमें एक शेप रेडी करनी है जो हमें इस तरीके से दिखे, जस्ट लाइक इस तरीके से। तो क्या सर हम एक्सेल से कर सकते हैं? नहीं जी, हम एक्सेल से नहीं कर सकते, इसके लिए हम पावर पॉइंट यूज करेंगे। हमने पावर पॉइंट को ओपन करा, यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली और एक नई ब्लैंक को इंसर्ट करा। ये करने के बाद हम इंसर्ट में गए, यहाँ पर शेप में आए और हमने यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर ली, जस्ट लाइक इस तरीके की। ये हो गया। इसके बाद रोटेशन पे गया और मैंने इसे कितना 90 डिग्री पर रोटेट कर लिया। आप इसके साइज को बढ़ाना चाहो कर सकते हो, आप इसे कॉपी करो और पेस्ट करो और फिर इसके बाद इसे सिलेक्ट करो, रोटेट में जाओ और इसे आप कर दो क्या फ्लिप वर्टिकल। तो ये आपको जस्ट लाइक इस तरीके की मिलेगी। आप इसको हल्का सा इसके ऊपर रख देना ताकि बिल्कुल सेट रहे। ये हो गया। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ से राइट एंगल लेना है और इसको ड्रॉ करना है। तो मैंने इस तरीके का राइट एंगल लिया और इसको ड्रॉ करा। इसको ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या करा, इन दोनों पिक्चरों को सिलेक्ट करा और इसको यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया। लेकिन पिक्चरों को सिलेक्ट करना था, सबसे पहले इसे सेंड टू बैक करो, मैंने इसे सेंड टू बैक कर दिया। इन दो पिक्चरों को सिलेक्ट करा और यहाँ उठाकर रख दिया बिल्कुल सेंटर। अब इन पिक्चर को सिलेक्ट करा और इसे मैंने सेंटर कर दिया कि मेरा सेंटर हो जाए, तो जस्ट लाइक ये मेरा सेंटर हो गया। इन पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे क्या कर दिया, एक पिक्चर बनानी है तो इसको मैंने कॉम्बिन कर दिया तो ये ताकि इस तरीके से बन जाए एक पिक्चर। इसके बाद मैंने जो उसका कलर है वो मैंने ग्रे रख दिया और फिल कलर को मैंने नो कर दिया, वो जस्ट लाइक मुझे इस तरीके का दिखे। इसके बाद मैंने इस पिक्चर को कॉपी करा और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाकर पेस्ट एज अ पिक्चर करके पेस्ट कर दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस हिस्से को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है और इसे क्रॉप कर देना है। मैंने ऊपर से क्रॉप करा, यहाँ से क्रॉप करा, यहाँ से क्रॉप करा और यहाँ से मैंने क्रॉप कर दिया, जस्ट लाइक इस तरीके से हो गया। इसके बाद आप इसे कॉपी करो और एक्सेल में जाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दो, जस्ट लाइक इस तरीके का हो गया। अब आप इसे सेट करें, यहाँ पर रखें, ठीक है, ठीक है। गलती एक हमसे हो गई, हमने गलती से क्या कर दिया, इस पिक्चर को जब हमने सिलेक्ट करा तो हमने इसको नो फिल कर दिया जबकि हमें इसे वाइट फिल करना चाहिए था, तभी ये परफेक्ट तरीके से दिखता। अब इसे कॉपी करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में जाओ और पेस्ट एज अ पिक्चर कर दो, इसे कट करो और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ इसे पेस्ट कर दो, ये पेस्ट हो गया। अब इसे यहाँ पर सेट कर दो। आप चाहो तो अपने हिसाब से साइज भी रख सकते हैं इसका, जो आपको पसंद है आप उस साइज में इसे कन्वर्ट कर दें, ठीक है। पहले आप इसे नीचे से स्टार्ट करें और इसे आप 100% कर दें, तो ये पूरा इस तरीके से आ गया। अब आप चाहें तो इस पिक्चर को क्रॉप कर दें अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, तो आप इस पिक्चर को सिलेक्ट करें और इसको इतने हिस्से में क्रॉप कर दें, क्लियर है, ताकि आपको पिक्चर का एरिया सही से दिख जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा भी अभी हम क्रॉप कर देंगे और इसे शिफ्ट के साथ ऊपर बढ़ा देंगे तो ये जस्ट लाइक इस तरीके से बढ़ेगा, और नीचे से हम इसे ऐसा कर देंगे सेम, और बढ़ाएंगे इसको नीचे ले जाएंगे और ये परफेक्ट हो गया। अब आप क्रॉप करें, सिलेक्ट करें और ऊपर से थोड़ा क्रॉप कर दें और थोड़ा नीचे से क्रॉप कर दें, तो जस्ट लाइक इस तरीके से बन गया। अब आप इसे जीरो करके देखें तो ये ऊपर बिल्कुल जा रहा है परफेक्ट तरीके से, ठीक है, ये आपका रेडी हो गया। ये हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि
अगर मैं यहाँ 10 करता हूं तो यहाँ पर एक लाइन जानी चाहिए जो बताए कि आप ऊपर से नीचे ड्रैग कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट में जाने के बाद एक राइट एंगल लेना है। मैंने इस तरीके का राइट एंगल ड्रॉ करा, ठीक है। ये करने के बाद सेम मैंने इसे कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। मैंने जस्ट लाइक साइज को इस तरीके से करा और इसके बीच में जाकर पेस्ट कर दी बिल्कुल सेंटर में, और साइज को थोड़ा सा छोटा कर दिया। हो गया। इसके बाद मैं इसकी आउटलाइन पे गया, मैंने इसे नो आउटलाइन कर दिया और फिल कलर में ये कर दिया। इस पिक्चर को मैंने सिलेक्ट करा बड़ी वाली को, और मैंने इसको व्हाइट कलर से कर दिया जस्ट लाइक इस तरीके से। आउटलाइन मैंने नो आउटलाइन कर दी। फिर दोनों पिक्चर को सिलेक्ट करा और इनको ग्रुप कर दिया, तो ये पिक्चर ग्रुप हो गई। ग्रुप हो जाने के बाद मैंने इस पिक्चर को कॉपी करा, इस ब्लैंक हिस्से पर सिलेक्ट करा डबल क्लिक करके और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। डबल हिस्से को सिलेक्ट करा, ठीक है। लेकिन देखिए अभी ऊपर से थोड़ी सी गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि इस तरीके से। तो आप इसे क्या करें, इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद पेज स्पेशल में जाएं और यहां से पेस्ट एज अ पिक्चर कर लें, तो ये पिक्चर आ गई। इसके बाद आप क्रॉप में जाएं और इसे क्रॉप कर दें जस्ट लाइक इस तरीके से, ये क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद आप इसे कॉपी करें डबल क्लिक करें और कंट्रोल वी कर दें, तो आपको इस तरीके की शेप आपको दिखेगी। अब आप क्या करें, इस वाले हिस्से को उठाएं और यहाँ पर रख दें बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। ये आपका बिल्कुल रेडी हो गया। अब देखिए, अब आप इन पिक्चर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए करें, बाकी पिक्चर हो रही है इन सभी को हटा दें, ये हट गया। इनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कर दें ग्रुप, ठीक है। यहाँ जाएं और इसे कर दें ग्रुप, ताकि ये पिक्चर पूरी तरीके से ग्रुप हो जाए। जब आप इसे कहीं मूव करो तो पूरा एक साथ जाए। अब इसे आप 20 करो तो इस तरीके से दिखेगा। आप इसे 30 करो इस तरीके से, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, सेम इसी के अंदर भी आपको यही प्लानिंग करनी है, ठीक है। आप इस पिक्चर को कॉपी करके सब इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। मैंने तरीका आपको बता दिया, ये तरीका आपको फॉलो करना है। लेकिन अभी हमें कुछ और काम करना है। सबसे पहला काम करना है, यहाँ पर हमें लेबल लाना है। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट पे जाएंगे और यहाँ से वर्ड आर्ट इंटर कर देंगे। और वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसके बॉर्डर पर जाएंगे, इक्वल दबाएंगे और इसे यहाँ से लिंक कर देंगे। लिंक होने के बाद हम इसको यहाँ पर इस बॉर्डर को ये जो साइज है इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से। इसके बाद फॉन्ट के साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि जस्ट लाइक इस तरीके से दिखे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम इसकी जो फॉन्ट है वो चेंज करके हम यहाँ से एजेंसी फॉन्ट ले लेंगे, दिस वन, और साइज को थोड़ा सा बिगर कर देंगे। तो ये हमारा चार्ट ऑलमोस्ट डन हो गया। अब हम चाहते हैं नीचे सर्विस लेबल आ जाए, तो हम इंसर्ट पर जाएंगे, टैग्स पर आएंगे और यहाँ से एक वर्ड आर्ट इंसर्ट कर देंगे। वर्ड आर्ट इंटर करने के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इक्वल दबाएंगे और इसके साथ इसे या इसके बाद हम इसे लिंक कर देंगे। ये इस तरीके से हो गया। ये हो जाने के बाद इसके बाद हम इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो ये साइज हमारा इस तरीके से बढ़ गया जस्ट लाइक इस तरीके से। अब व्यू में जाएं, इसकी ग्रिड लाइन और इसकी फार्मूला बार हटा दें, तो जस्ट लाइक आपको इस तरीके का चार्ट दिखेगा। देखिए, आपको इसकी जो आउटलाइन दिख रही थी वो आपको रिमूव करनी चाहिए थी, वरना अच्छे तरीके से ये नहीं दिखेगा। इतना कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको इसे डायनेमिक करना है कि जब आप इसकी वैल्यू चेंज करें तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पुरानी शीट को क्लोज कर देता हूँ। अब इसी शीट पर मुझे वो कोडिंग करनी है कि ये अपने आप चेंज होता रहे। तो आप क्या करें, आप डेवलपर पर जाएंगे, विजुअल बेसिक पर जाएंगे और यहाँ डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ लेंगे आप वर्कशीट, क्योंकि आपकी शीट नंबर 1 है और हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी वैल्यू चेंज हो वो अपने आप हो जाए। तो हमने कोडिंग किसके अंदर डाल दी, हमने कोडिंग डाल दी चेंज, जैसे ही हमारी वैल्यू चेंज हो वैसे ही ये कोडिंग चल जाए। तो हमने सबसे पहले लिखा डिम आई एज अ इंटीजर। आई क्या, एक इंटीजर, एक नंबर है, क्लियर। फिर हमने एक कंडीशन चलाया, हमने कहा इफ अगर टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल टू, अगर टारगेट वैल्यू, या फिर आप सिंपल कर सकते हैं टारगेट डॉट एड्रेस, मैंने यहाँ पर लिखा टारगेट डॉट एड्रेस इक्वल टू,
क्या है, बी वन है और मैंने इसे ब्रैकेट में डाल दिया इस तरीके से, बी वन इस तरीके से है, देन अगर ऐसा है तो तुम चलाओ फोर आई, जीरो से लेकर वन से लेकर कितना, वन से लेकर कितना टारगेट डॉट वैल्यू, जितनी भी टारगेट मतलब बी वन पे जितनी वैल्यू, लेकिन वहां तो परसेंटेज है मतलब डेसिमल वैल्यू से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100, लेकिन हो सकता है आपका राउंड में वैल्यू आ जाए तो आप यहाँ पर क्या चला दो, इंट कर दो कि हमेशा आप उसका मुझे इंटीजर नंबर देना मतलब डेसिमल मत देना। क्लियर, ये हो जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर कोड लिखा एक्टिव शीट डॉट रेंज। अब किसको आपको अपडेट करना है, n1 को, यहाँ लिखा इन्वर्टेड कॉमा में n1 डॉट वैल्यू, क्लियर है, इक्वल टू आई पर जो वैल्यू है उसे डिवाइड कर दो 100 ताकि वो डेसिमल बन जाए। क्लियर है, इतना हो गया। ये हो जाने के साथ साथ मैंने इसे यहाँ पर कोड डाल दिया डू इवेंट, ये चलता रहे जब तक वो वैल्यू खत्म ना हो, डू इवेंट लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या करा, नेक्स्ट आई कर दिया और यहाँ से मैंने यही सेम कोड को उठाया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब आखिरी में तो वो वैल्यू सेम हो जानी चाहिए तो मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ जाकर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिख देना है टारगेट डॉट वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टारगेट डॉट वैल्यू और यहाँ डाल दिया एंड इफ। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिखूंगा 20, इंटर, ये अपने आप आ गया। मैं लिखा है 30, ये अपने आप देखो चेंज हो रहा है। मैं लिखा है 40, ये अपने आप चेंज हो, लेकिन सर एक एनिमेटेड होता हो, देखिए थोड़ा थोड़ा कम कम एक एक पॉइंट बढ़े, तो आप इसकी इंटू 100 को बढ़ा दो, जो वहां 100 है वहां 1000 कर दो, के लिए जस्ट लाइक इस तरीके से। अब देखिए बढ़ाइए, आप इसे 50 कीजिए, देखिए कैसे बढ़ रहा है, जस्ट लाइक ऐसे कोई चीज एनिमेट हो रही है। क्लियर, आप इसे करें 0 तो ये इस तरीके से हो जाएगा, आप इसे 100 करो तो देखो कितने आराम आराम से बढ़ेगा। लेकिन एक गलती हमसे पता है क्या हो रही है, ये लेबल हमारा साथ साथ नहीं बढ़ रहा, हमें लेबल भी बढ़ाना है। तो हमें क्या करना है, हम जाएंगे व्यू में, व्यू में जाने के बाद फार्मूला, और जहां हमने B1 दिया है उसकी जगह हम N1 दे देंगे क्योंकि N1 की वैल्यू चेंज होती है, तो हमने यहाँ N1 कर दिया। इसके बाद हमने इसे बोल्ड करा और साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो जस्ट लाइक इस तरीके से हमें दिखेगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब करें क्या, आप इसे सिलेक्ट करें, इसे बोल्ड कर दें जस्ट लाइक इस तरीके से, अब वैल्यू 1 करें, मैंने 1 करा कोई फर्क नहीं, हो गया, मैंने इसमें कर दिया 100, तो देखो यहाँ वैल्यू कैसे बढ़ रही है, जस्ट लाइक बढ़ती हुई आपको दिख रही है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहते और स्लो चले तो यहाँ पर जहां आपने 1000 दिया है ना, इसे आप 1500 कर दें और इसे आप 1500 कर दें, तो जस्ट लाइक इस तरीके से। अब यहाँ 1 करें और जैसे ही आप 100 करेंगे तो एक नंबर के थ्रू आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो आप इस तरीके से एक एनिमेटेड चार्ट बना सकते हैं और अपने काम को बहुत जल्दी से फिनिश कर सकते हैं। क्लियर है, तो आज हमने आपके साथ एक्सेल में एक एनिमेटेड आवर्स ग्लास चार्ट को डिस्कस करा, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।